सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिजाइन टैब अगर ऊपर के रिबन में नहीं शो कर रहा है तो उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो सवाल के जवाब में है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर इससे पहले मैं कई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी फिलहाल यहाँ ऊपर के रिबन में आपको कोई भी डिजाइन टैब नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर हमें डिजाइन टैब वापस लाना है तो हमको जाना होगा फाइल पे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है फाइल का, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए ये एक ऑप्शन हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, ये रहा ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमको जाना है कस्टमाइज रिबन पे, ठीक है, ये रहा कस्टमाइज रिबन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा। तो हमको जाना है यहाँ पर मेन टैब में, ठीक है। अगर इस ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शन दिखाता है आपको, टूल टैब मेन टैब, हमको जाना है मेन टैब। अगर मेन टैब पहले से ही सेलेक्ट हो तो मेन टैब ही रहने दीजिएगा, अगर टूल टैब सेलेक्ट हो तो यहाँ से आप उसको मेन टैब में वापस ला सकते हैं, ठीक है। मेन टैब हमने हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नीचे जाना है। ये देखिए डिजाइन का ऑप्शन यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ठीक है, बस इस पर चेक मार्क लगा दीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पे चेक मार्क नहीं था, हमने वापस यहाँ पे चेक मार्क लगा दिया है। उसके बाद नीचे से हम ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ओके बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे अब आप देखिए ऊपर यहाँ पर डिजाइन टैब आपका आ चुका है, ठीक है, ये रहा आपका डिजाइन टैब।